नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी 9वीं कविता वह देश कौन सा है का स्वाध्याय देखेंगे। उसमें से पहला प्रश्न है, जरा सोचो बताओ। यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो सर्दियों में हिमालय पर बर्फ के रूप में जल संग्रह होता है। जब गर्मियों में हर तरफ पानी की कमी हो जाती है तब यही बर्फ पिघलकर नदी नालों द्वारा करोड़ों जीवों की प्यास बुझाती है। यदि हिमालय की बर्फ पिघलना बंद हो जाए तो यह व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक एक कर सभी नदियां सूख जाएंगी। जीव जंतु कृषि आदि को जल प्राप्त नहीं होगा। समुद्र का जलस्तर घट जाएगा। वर्षा चक्र भी प्रभावित होगा। सभी के ऊपर इस बात का परिणाम होगा। प्रश्न दो, खेलना क्रिया के अकर्मक सकर्मक संयुक्त सहायक और प्रेरणार्थक रूपों को वाक्य में प्रयोग करो। वाक्य है, समीर अब राहुल खेलेगा। यह खेलेगा यह अकर्मक क्रियापद है। अभिजीत हॉकी खेलता है। यह सकर्मक क्रियापद है। लड़कियां मैदान में खेल रही है यह संयुक्त क्रियापद है। अमर हॉकी खेल रहा है। यह सहायक क्रियापद है। शिक्षक बच्चों को फुटबॉल खिला रहे हैं यह प्रेरणार्थक क्रियापद है। इस तरह खेलना क्रिया के खेलेगा खेलता खेल रही खेल रहा खिला रहे हैं इस तरह क्रियापद बनाए जा सकते हैं। प्रश्न तीन, इस कविता के आधार पर भारत के विविधता एवं विशेषताएं 7-8 वाक्यों में लिखो। उत्तर, भारत मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है। समुद्र निरंतर इसके चरण धो रहा है। हिमालय इसका मुकुट है। यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं। अमृत जैसे जल से पूरे देश को सिंचती है। भारत में जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनार सब्जियाँ मेवे तथा विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। यहाँ की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है। यहाँ के नागरिक नवीन विचारों के पोषक हैं। भारत देश का प्रत्येक नागरिक देश को बहुत प्यार करता है। प्रश्न चार, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उसमें से पहला है, जिसका --- हिमालय वह देश कौन सा है। उत्तर, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। उसमें से दूसरा है, मनमोहिनी --- की जो गोद में बसा है। उत्तर, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है। तीन, जन जन का --- वह देश कौन सा है। उत्तर, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है, भारत का मुकुट हिमालय किस दिशा में है। उत्तर, भारत का मुकुट हिमालय उत्तर दिशा में है। दो, नवक्रांति के पुजारी से कवि का क्या तात्पर्य है। उत्तर, नवक्रांति के पुजारी से कवि यह कहना चाहते हैं कि भारत के नागरिक नए विचारों और नवीन खोजों को तुरंत अपना लेते हैं। तीन, समुद्र भारत के किस दिशा में है। उत्तर, समुद्र भारत की दक्षिण दिशा में है। प्रश्न पांच, कथन सही है या गलत बताओ। एक, भारत के नागरिक
नवीन विचारों को पसंद नहीं करते। यह विधान गलत है। भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद करते हैं। 2. भारत में सभ्यता का उदय बहुत बाद में हुआ। यह विधान गलत है। 3. है, भारत में अनेक फल, अनाज, मेवे, फल फूल उत्पन्न होते हैं। यह विधान सही है। प्रश्न 6. नीचे दिए गए राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र देखो और उनके नाम लिखो। उसमें से पहला चित्र है तिरंगा। यह भारत का तिरंगा है। अगला चित्र है शेर। भारत का राष्ट्रीय प्राणी शेर। वह राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला चित्र है मोर। यह भारत का राष्ट्रीय पंछी है। अगला है आम। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला है कमल। यह फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। अगला है हॉकी। यह भारत का राष्ट्रीय खेल है। प्रश्न 7. मार्ग पर चलते हुए तुमने कुछ यातायात संकेत देखे होंगे। इस सांकेतिक चिन्हों का क्या अर्थ है लिखो। इन चिन्हों को ध्यान से देखिए। पहला है स्टॉप। स्टॉप यानी रुको। दूसरा है यू टर्न मना है, यानी यहाँ से मुड़ना मना है। तीसरा है एक दिशा में वाहन जाना मना है। और चौथा है आगे जाए। इस चिन्ह का अर्थ है आगे जाए। इन चिन्हों को ध्यान से देखिए। पहला है नो पार्किंग। नो पार्किंग यानी यहाँ पर वाहन लगाना मना है। दूसरा है हॉर्न न बजाए। जहाँ ये लगा है वहाँ पर हॉर्न नहीं बजा सकते। तीसरा है ट्रक ले जाना मना है। जहाँ ये लगा है उस सड़क से ट्रक ले जाना मना है। चौथा है आगे पाठशाला है। ये चिन्ह जहाँ लगा है वहाँ पर पाठशाला होती है। वहाँ से वाहन धीरे से ले जाना चाहिए, इसलिए ये चिन्ह दिया है। वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर पाठशाला है।